हाल ही में चीन का मून मिशन चंद्र 6 चांद की सतह से मिट्टी लेकर धरती पर उतरा है। इसी के साथ चीन दुनिया का पहला देश बन गया है जो चांद के अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने में सफल रहा है। चीन ने 3 मई को चंद्र 6 मिशन लॉन्च किया था जो 53 दिन बाद धरती पर लौटा है। इस प्रोब का लक्ष्य चांद के सबसे दूर वाले हिस्से यानी जहां अंधेरा होता है पर जाकर सैंपल इकट्ठे करके धरती पर भेजना था। चीन का लक्ष्य 2030 तक इंसान को चांद पर भेजना है। यह मिशन भी उसी टारगेट का हिस्सा है। चांद की सतह से सैंपल इकट्ठे करने के लिए ड्रिल और रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल किया गया था। इसकी मदद से चांद पर मौजूद 4 अरब साल पुराने क्रेटर से मिट्टी निकाली गई और उसे एक कैप्सूल में डालकर री एंट्री व्हीकल में ट्रांसफर किया गया। चीन के वैज्ञानिक अब इस मिट्टी के सैंपल पर रिसर्च करेंगे। इस दौरान चांद के साथ ही धरती और सोलर सिस्टम के बनने को लेकर स्टडी की जाएगी। चीन की रिसर्च पूरी होने के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों को भी रिसर्च के लिए साझा किया जाएगा। बता दें कि अभी तक चांद पर जा चुके सभी 10 लूना मिशन धरती से दिखाई देने वाले हिस्से पर ही पहुंचे हैं। इनमें भारत और अमेरिका भी शामिल हैं। ऐसे में चीन ने चांद के दक्षिणी ध्रुव से सैंपल लाकर स्पेस रेस में अमेरिका को कड़ी चुनौती दी है। माना जाता है कि चांद के इस हिस्से पर बर्फ के तौर पर पानी मौजूद है। अमेरिका भी चांद के इसी हिस्से पर अपना बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। ये चांद के 3 सबसे बड़े और प्रमुख जमीनी हिस्सों में से एक है, इसलिए इसकी साइंटिफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। चीन अपने इस मिशन के दौरान दूसरे देशों के पेलोड भी लेकर गया था। इनमें पाकिस्तान, फ्रांस, इटली और यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल थे। इसका उद्देश्य इन देशों के साथ स्पेस को ऑपरेशन बढ़ाना था।